भारतीय शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। शंकर शर्मा और ब्राइट कॉम ग्रुप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, ये वही शेयर है जो आज से 3 साल पहले यानी 17 दिसंबर 2020 को 2.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। वो मात्र 1 साल बाद यानी 17 दिसंबर 2021 को 118 रुपए का हो जाता है। यानी जिन लोगों ने इस शेयर में पैसा लगाया वो अरबपति बन गए। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। पूछिए क्या? साल 2021 में ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर जो आसमान की बुलंदियों पर था वो आज 20 रुपए के आसपास आ गया है। यहीं से लोगों और देश की जांच एजेंसियों को शक होना शुरू हो गया। अब आइए इस कहानी के अपडेट पर। ब्राइटकॉम समूह की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। सेबी के बाद ईडी ने आईटी सेक्टर की कंपनी ब्राइटकॉम ग्रुप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी है। शनिवार को कंपनी के सीईओ और सीएफओ के घरों पर ईडी ने छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में नकदी जेवरात आदि मिले हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शनिवार को कहा कि उसने समूह से जुड़े विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा उल्लंघन मामले में हैदराबाद में 5 जगहों पर तलाशी ली, जिसमें 3.30 करोड़ रुपए नकद के साथ साथ 9.30 करोड़ रुपए के सोने और अन्य आभूषण बरामद हुए हैं। तलाशी अभियान ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के कार्यालयों, कंपनी के सीईओ एम सुरेश रेड्डी और सीएफओ एसएलएन राजू के आवास और कंपनी के ऑडिटर पी मुरली मोहना राव के आवास से बेहिसाब नकदी, सोने के आभूषण और सराफा जब्त किए गए। बता दें, ईडी ने विदेश में अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से ब्राइटकॉम समूह द्वारा 868.30 करोड़ रुपए की संपत्ति की हानि के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी द्वारा की गई जांच के आधार पर फेमा जांच शुरू किया था। ईडी की पूछताछ में ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड द्वारा फेमा के प्रावधानों के कई उल्लंघनों का खुलासा हुआ था। ये पता चला था कि ब्राइटकॉम ने स्वयं की सहायक कंपनी और कई संस्थाओं के माध्यम से राउंड ट्रिपिंग फंड द्वारा हेराफेरी की है। उसने सेबी को जाली और मनगढ़ंत बैंक डिटेल्स दिया। ईडी ने यह भी कहा कि सहायक कंपनियों को दिए गए ऋण के रूप में 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अधिकांश रूप से निकाल ली गई है या उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया। वहीं कंपनी के ऑडिटर पी मुरली एंड कंपनी और पीसीएन एंड एसोसिएट्स ने भी स्पष्ट रूप से कंपनी के प्रबंधन के साथ मिलीभगत कर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने में भी विफल रहे। अब जाते जाते सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप और शंकर शर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई की थी ये भी जान लीजिए। सेबी ने जांच में ग्रुप के प्रेफरेंशियल इशू में गड़बड़ियां पाई, जिसके बाद मार्केट रेगुलेटर ने अपने अंतरिम आदेश में बीसीजी के प्रमोटरों पर एक्शन लिया। ब्राइटकॉम के शेयरों की बिक्री पर रोक के साथ ही कंपनी मैनेजमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों पर अगले आदेश तक डायरेक्टर पद संभालने से रोक लगा दी गई है। बीसीजी पर सेबी की कार्रवाई इतिहास से भी अहम थी, क्योंकि इस कंपनी में दिग्गज इन्वेस्टर शंकर शर्मा का भी पैसा लगा हुआ था और उन्हें भी सेबी ने अगले आदेश में कंपनी के शेयर बेचने से प्रतिबंध कर दिया है। वही सेबी की कार्रवाई की खबर के बाद से ही बीसीजी के शेयरों में 5-5% का लोअर सर्किट लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिस तक।